से इस्तेदलाल करते हुए बाज लोग ये कहते हैं कि हर शख्स मिंबर व मेहराब पर खड़े होने का हकदार है, हर शख्स स्टेज पर खड़े होकर के तकरीर करने या फतवा देने का जिम्मेदार है और वो ऐसा कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्लिगु अन्नी वलो आया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये हुक्म दिया है कि तुम तक मेरी कोई बात पहुंचे तो दूसरों तक पहुंचाओ, यानी तबलीग कर दो उसकी। अब ये बात पहुंचने के जराए क्या हैं, इसके लिए इस्लाम ने शराइत जिक्र किए हैं। पहुंचने के जराए काबिले एतमाद उलमाए किराम जो मनहज सलफ के मुताबिक कुरान और सुन्नत को पेश करते हैं, उन उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करके दीन की जो बात हम तक पहुंचती है उसको उलमाए किराम की बताई गई तरीके बताए गए तरीके पर मिन वान वैसे ही दूसरों तक पहुंचा देना, सिर्फ यही इतना अगर इससे मकसूद है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आम तौर से देखा जाता है कि लोग उलमा से जितना सीखते हैं उसमें 10 बातें मिलाते हैं और उसके बाद देखते देखते फतवा भी देने लगते हैं, लोगों की के सवालात का जवाब भी देने लगते हैं, अपनी जानिब से राय कायम करने लगते हैं, गलतियां करते हैं, लोग गुमराह होते हैं और खुद भी गुमराही का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हमें यह नहीं करना चाहिए। बल्लिगु अन्नी वलो आया का मफहूम यह है कि हम उलमा से जुड़ करके पुख्तगी की हद तक जिन बातों को सीख लें, उलमा से उसका इआदा करें, उसको अच्छी तरीके से समझें और उलमा से इजाजत लें कि अगर आप इजाजत दें तो आपके जरिए सीखी गई ये बात मैं लोगों तक पहुंचा दूं। अगर आलिम दीन को इत्मीनान होगा तो वो आपको इतना तस्किया देगा कि ठीक है आप ये बात पहुंचा सकते हैं, आलिम दीन की इस इजाजत के बाद और उससे राय मशवरा करके पुख्तगी हासिल करके ये बात अगर आगे पहुंचाई जाती है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरीके से बल्लिगु अन्नी वलो आया पर अमल किया जा सकता है। इसको बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया है जो कि गलत है।